हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 चेस्ट सिंपल ब्लाउज, फोर्टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। इसकी पेपर कटिंग हमने पहले के वीडियो में हमारे चैनल पे दिखाई हुई है और आज हम इसकी कटिंग देखने वाले हैं और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे। इसके लिए हमने ये अस्तर वाला ब्लाउज लिया हुआ है। पहले हम बैक का पार्ट देखते हैं। इसके लिए हम पहले बैक का जो गला है उसका मेजरमेंट डालते हैं। 2.5 इंच पे हम नेकलाइन की मेजरमेंट लेंगे और हमारा ब्लाउज का जो बैक नेक है वो तैयार 9 इंच है, तो हम 9 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाते हैं और 1/2 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे और बॉक्स बनाएंगे। पौन इंच पे हम ऐसे एक निशान लेके सिंपल राउंड शेप गले का दे देते हैं। ब्लाउज़ का आर्म होल 5.5 इंच है, तो वहाँ पे एक ऐसे निशान बनाएंगे और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसी लाइन पे हम चेस्ट का जो 1/4 है, जो 10 इंच है, वो उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं और इसमें हम 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड करने वाले हैं। अब हम ऊपर की तरफ यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट डाल देते हैं। 5.5 इंच हमारा शोल्डर है और इस पॉइंट से शोल्डर के जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे और यहाँ से 1/2 इंच पे एक निशान बना लेते हैं और तिरछी लाइन। अब यहाँ से 1/4 इंच पे निशान लगा के ऐसे हम शेप दे देते हैं आर्म होल का। ब्लाउज़ की फुल लेंथ 13 इंच है, उसमें 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ये मेजरमेंट डाले हैं ये 11.5 इंच पे हमने चेस्ट के 1/4 में 1.5 इंच मिला के मार्किंग की है। इससे 1/2 इंच कम हम इस लाइन पे यानी 11 इंच पे एक मार्किंग करते हैं और ये दोनों पॉइंट तिरछी लाइन से एक जॉइन करते हैं। इसका हम सेंटर निकालेंगे और बैक के टक्स के लिए ऊपर की तरफ 4 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और 1/2 इंच दोनों साइड पे इस तरह से हम टक्स का शेप दे देते हैं। यह हमारा बैक का पार्ट तैयार हो गया है। अब पहले हम बैक का पार्ट कट कर लेते हैं।
गले का भी शेप कटिंग कर लेते हैं। ये हमने सिर्फ बैक का पार्ट लिया है, इसलिए हम ये शेप कट करते हैं। अब हम सेम टू सेम ऐसा ही फ्रंट का पार्ट बनाते हैं। इस तरह से हम ये बैक का जो हमारा पार्ट है वो अस्तर पे रखते हैं और सेम टू सेम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम नीचे से 1 इंच ज़्यादा लेने वाले हैं, क्योंकि टक्स हम आगे की तरफ 4 टक्स जो डालने वाले हैं उसके लिए। और एक लाइन, पहले हम आर्म होल का बॉक्स बनाते हैं। और यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे मार्किंग करके शेप दे देते हैं। थोड़े अंदर की तरफ लेके ऐसे शेप दे देते हैं। अब ये हमारा गला बैक का जो 9 इंच का है, लेकिन फ्रंट का गला हमारा छोटा है जो कि 6 इंच का है। यहाँ पे मार्किंग करके यहाँ पे 1/4 इंच पे ऐसे मार्किंग करके गले का सिंपल राउंड शेप बना लेते हैं। अब हम इस लाइन से ऊपर 3 इंच ऐसे मार्किंग करके और एक लाइन बनाते हैं। यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं और ऊपर की तरफ 1.5 इंच और नीचे की तरफ 1/2 इंच और दोनों साइड पे ऐसे 1/2 इंच इस तरह से टक्स का शेप दे देते हैं। इस तरह से टक्स बनाने से हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है वो एकदम कटोरी जैसी आती है। और ऊपर की तरफ हम 1 इंच पे ऐसे सेंटर पॉइंट करते हैं, दोनों साइड पे 1-1 इंच पे, फिर ऊपर की साइड पे 1 इंच पे, यहाँ से 1 इंच पे निशान करते हैं। अब हम टक्स बनाएंगे। ये जो लाइन है वो
इस तरह से हमारी क्रॉस पट्टी का भी शेप आएगा। अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये फ्रंट का पार्ट भी तैयार हो गया है। ये हमारा बैक का पार्ट, फ्रंट का पार्ट और ये क्रॉस पट्टी है। और ये इसलिए उसकी कटिंग हमने पहले हमारे चैनल पे वीडियो पे दिखाई हुई है। अब हम अस्तर को ब्लाउज पे रखें, ब्लाउज़ की भी कटिंग करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।